फरीदाबाद में दावत खाने गई दलित बालिका को चॉकलेट का लालच देकर झाड़ी में ले दुष्कर्म किया। सूचना से हड़कंप, एसएसपी एसपीसीओ कोतवाली मौके पर पहुंचे। फरीदाबाद के जिले के थाना क्षेत्र के नगर के मोहल्ले में गृह प्रवेश में दावत खाकर वापस लौट रही 9 वर्षीय दलित बालिका के चॉकलेट का लालच देकर झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची के अत्यधिक दर्द से तड़पती बच्ची ने घटना की जानकारी माँ को दी तो माँ ने परिजनों और पुलिस को जानकारी मिलते ही एसएसपी सौरभ दीक्षित और एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया सीओ प्रवीण कुमार तिवारी भी पहुंचे और इसी के साथ ही साथ बच्ची बदहवास स्थिति में देखी गई और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस आई है, यहाँ पे बच्ची है मेरी भानेज सुबिन की, देखो ऐसी जिन क्या पकड़ कर ली है, झाड़ियों में खींच ले गए। फिर क्या हुआ, गलत काम किया है? गलत ही काम कर गया। अच्छा, तो अब बच्ची कहाँ है? बच्ची पता बेमा है, दवाई लेने हॉस्पिटल में। पुलिस आ गई है? पुलिस आ गई, पर जो पुलिस भी आई है। बच्ची निकल के जा रही थी उधर से, तो एक आदमी था उसने चॉकलेट के बहाने से बच्ची को बुलाया। बच्ची को बुलाने के बाद आम का पेड़ वहाँ पे ले गया है जी। उसके साथ गलत हरकत की है, बच्ची अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, बताने की हालत में नहीं है। क्या स्थिति है अभी? कुछ बताने के लायक में नहीं, बहुत गंभीर स्थिति है। पुलिस मौके पे आ गई? हाँ, पुलिस मौके पे आ चुकी है। ये आज थाना सिकोहवा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक बच्चे के साथ दुष्कर्म की सूचना उसके परिजनों के द्वारा थाने पर दी गई। इस संबंध में जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया गया है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों से पूछताछ में ये बात आई कि संभवतः कोई आसपास का ही व्यक्ति, परिचित व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि उसने बच्ची को उसके घर वालों के नाम भी लेके उसको बताए हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरे उनको देखा जा रहा है और जो भी इसमें आरोपी होगा उसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट।